श्रीलंका टीम बड़ा टारगेट सेट करने में सफल हो गई और देखिए बल्लेबाजी करने के लिए कौन आया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ सुमन गिल पहला ओवर श्रीलंका टीम से असिता फर्नांडो लेके आएंगे। जी हाँ, 30 बालों में 130 रन चाहिए भारतीय टीम को। ये मुकाबला बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है। फर्नांडो राइट आर्म मीडियम गेंदबाज, अच्छी स्लो डिलीवरी करते हैं और देखिए कमाल की फील्डिंग लगा के रखी है इन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के लिए। और आज क्या कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा ये देखना होगा। पहली बॉल शॉट अच्छा लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, और ये लीजिए कोई भी रन मिलेगा नहीं यहाँ पे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। जी हाँ, पहली बॉल अच्छी करी इन्होंने और भारत अभी तक खाता खोलने में असफल रही। और अब देखिए 29 में 130 रन चाहिए भारतीय टीम को। एक बार फिर से नज़र डालेंगे बॉल पे, बढ़िया लेंथ और अच्छी गति के साथ फेंकी गई थी बॉल और रोहित शर्मा कैप ढूंढने में असफल रहे और यहाँ पे डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, फर्नांडो एक बार फिर से पहले ओवर की दूसरी बॉल करने के लिए तैयार हैं और देखिए ऑन साइड पे बहुत सारे फील्डर लगा के रखे हैं। दूसरी बॉल फटकी हुई लेंथ और ये लीजिए रोहित शर्मा अपना फेवरेट शॉट लगाते नजर आएंगे और छक्का बटोरेंगे। जी हाँ, कमाल का छक्का जड़ के यहाँ पे खाता खोलते नजर आए। जी हाँ, भारतीय टीम ने खाता खोल लिया है, कप्तान रोहित शर्मा ने खाता खोल लिया है और देखिए कितना खूबसूरत शॉट लगाया और भारतीय दर्शक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बड़ी तादाद में आए हैं भारतीय दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए और भारतीय टीम को 28 में 124 चाहिए। देखिए शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी अगर आपको मुकाबला जीतना है। अगर श्रीलंका को जीतना है तो मुकाबले में शुरुआती विकेट झटकाने पड़ेंगे। कप्तान रोहित शर्मा छेपे कर रहे हैं बल्लेबाजी और अब फर्नांडो तैयार हैं पहले ओवर की तीसरी बॉल करेंगे। सामने कप्तान रोहित शर्मा बैकफुट पे गए, अच्छा शॉट लगाया लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। देखिए कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाज रन बनाने में असफल हो रहे हैं। जी हाँ, अगर भारत को ये मुकाबला जीतना है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन ये लीजिए सुमन गिल अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं और मैं ज़रूर देखना चाहूँगा फर्नांडो सुमन गिल के लिए किस लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से देखिए बॉल पड़ने के बाद अंदर आई, बैकफुट पे गए, अच्छा शॉट खेला लेकिन बॉल में उतनी गति नहीं थी और प्लेसमेंट उतना सही नहीं था। यहाँ पर भी मात्र एक रन मिलेगा यहाँ पे भारतीय टीम को, भारतीय बल्लेबाज को। देखिए धीरे धीरे मुकाबला भारत के लिए कठिन हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के लिए, भारत देश के लिए एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जहन लिखिए, आपका नाम लिखिए, आपके गाँव का नाम। जी हाँ, और YouTube के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए। पहले ओवर की चौथी बॉल, सामने सुमन गिल बैकफुट पे गए, अच्छा शॉट लगाया लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। और देखिए भारतीय बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, और ये जो पहला ओवर है काफ़ी शानदार रहा है श्रीलंका टीम के लिए और अब यहाँ से ऐसा लग रहा है मानो भारतीय टीम ये मुकाबला गवा देगी। जिस तरीके से शुरुआत हुई है लगातार यहाँ पे बढ़िया गेंदबाजी, फर्नांडो की मात्र 8 रन दिए हैं। देखिए कैसे ना कैसे करके अब बची हुई दोनों बालों पे बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। अगर बड़े शॉट नहीं आए तो आप ये समझ लीजिए फिर तो भारत के लिए मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, जिस काम के लिए फर्नांडो को भेजा था उन्होंने वो काम तो किया है, भारतीय टीम के रनों में अंकुश लगाया है, दबाव बनाने का प्रयास किया है और भारतीय बल्लेबाज दबाव में भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पहले ओवर की पांचवी बॉल, फर्नांडो तैयार सामने रोहित शर्मा। जी हाँ, देखना होगा, बड़ा शॉट चाहिए, बड़ा शॉट आएगा। जी हाँ, अभी भी उम्मीदें कायम नजर आ रही हैं भारतीय टीम की और ये जो छक्का रोहित शर्मा ने लगाया है ये इन्होंने दस्तक दे दी है अपनी बल्लेबाजी की। और देखिए रोहित शर्मा अगर एक बार चल पड़े तो फिर इनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है और रोहित शर्मा ने बढ़िया शॉट लगाया, छक्का बटोरा और भारतीय टीम की उम्मीद को कायम रखा है। और जो लोग भी YouTube पे इस बड़े मुकाबले को देख रहे हैं मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
एक बार भारत देश के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपना नाम लिखिए, आपके गांव का नाम। जी हाँ, जो लोग भी इस महा मुकाबले को देख रहे हैं, मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। 25 में अब 116 चाहिए भारत को। क्या यहाँ पे 25 में 116 बना पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और एक बार नज़र डालेंगे उस बड़े शॉट पे। जी हाँ, ये लीजिए, बॉल काफ़ी ज़्यादा ऊंची गई, लंबाई भी प्राप्त करी और ज़रूरत थी इस बड़े शॉट की। सही समय में छक्का जड़ के रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की उम्मीद को बरकरार रखा है, कायम रखा है। और ये अंतिम बॉल है, इस पर भी बड़ा शॉट चाहिए और इस पर भी बड़ा शॉट आएगा। और ये लीजिए, रोहित शर्मा इस ओवर में लगातार दो छक्के जड़ते नजर आएंगे। जी हाँ, पहले ओवर से कप्तान रोहित शर्मा ने तीन छक्के जड़ के ये दिखा दिया है कि वो जब तक क्रीज पे हैं तब तक भारतीय टीम की उम्मीद बरकरार रहेगी। और मथीसा पथिराना गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, अच्छी यॉर्कर करते हैं, लगभग लसित मलिंगा की तरह गेंदबाजी करते हैं। लेकिन पिछली बॉल पे जो शॉट लगाया था उस पे अगर हम एक बार नज़र डालेंगे, देखिए काफ़ी कमाल का शॉट था ये, बाउंड्री लाइन के बाहर गई बॉल, कोई भी फील्डर वहाँ मौजूद नहीं था। और देखिए, वहाँ अगर फील्डर मौजूद होता भी तो दर्शक बन के रह जाता। और अब देखना होगा पथिराना दूसरा ओवर लेके आए हैं, इनका कैसा स्वागत करेंगे भारतीय बल्लेबाज। जी हाँ, तैयार हैं और पहली बॉल यहाँ पे करी जाएगी पांचवे ओवर दूसरे ओवर की। ओ, ये लीजिए बड़ा शॉट, शुमन गिल इस बार लगाते नजर आएंगे। जी हाँ, ये कमाल का शॉट लगाया पहली ही बॉल पे। और अब देखिए, धीरे धीरे भारतीय टीम मोमेंटम शिफ्ट करती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, और अब इस छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है और गेंदबाज कहीं ना कहीं अब दबाव महसूस कर रहे होंगे। देखिए, जो लोग रोज़ मुकाबला देखते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अजय गुप्ता जी, विनोद कुमार जी, राजेश जी, बलदेव जी, सूर्य कुमार यादव जी। जी हाँ, देखिए कमाल के शॉट यहाँ पे लगातार। और देखिए, भारतीय दर्शक भालियों के गूंज के साथ लगातार भारतीय टीम का सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखिए, लगातार यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में भारतीय टीम को देखने के लिए दर्शक आए हैं। हालांकि भारतीय टीम अभी मुसीबतों में नज़र आ रही है, लेकिन मुसीबतों से निकालने का काम रोहित शर्मा, शुमन गिल को करना पड़ेगा। एक और पटकी हुई बॉल, एक और बड़ा शॉट हवा में। और ये लीजिए, एक और कमाल का शॉट चढ़ के यहाँ पे भारतीय टीम को रनों में गति प्रदान करते हुए नजर आएंगे सुमन गिल। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था मानो श्रीलंका एक तरफा इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी, लेकिन जो दो छक्के रोहित ने लगाए उसके बाद मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ और अचानक से रनों की झड़ी लग गई। और अब धीरे धीरे भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, 22 बॉल में 98 चाहिए अभी भी भारतीय टीम को पथिराना। इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्या ये श्रीलंका टीम के लिए विकेट चटका पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी यॉर्कर करते हैं, लेकिन आज उनकी गेंदबाजी चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज पहले से तैयार रहता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा प्यार दिखाइए भारतीय टीम के लिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब देखिए, दूसरे ओवर की तीसरी बॉल, एक और फुल टॉस, एक और बड़ा शॉट और एक और छक्का। इस बार बहुत ही लंबा छक्का लगाया है, लंबाई भरपूर मात्रा में प्राप्त करेंगे। और क्या बात है, ये अद्भुत अंदाज है और दर्शकों के बीच लगातार शॉट लगा रहे हैं। और देखिए, श्रीलंका टीम के कप्तान को आना पड़ा है बॉलर के पास, बातचीत करनी पड़ी है। और देखिए, कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई होगी कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों को रोका जाए। जी हाँ, फुल टॉस और फुल टॉस पे बड़ा शॉट दर्शकों के बीच में। और देखिए, भारतीय देश के लिए लगातार तालियां यहां पे सुनाई दे रही हैं पूरे ग्राउंड में। और दोस्तों, आप भी थोड़ा प्यार दिखाइए भारत के लिए, भारतीय टीम के लिए, भारतीय तिरंगे के लिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जहन लिखिए। देखिए, ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है, यहाँ पे हार जीत लगी रहती है, आप एक दो मुकाबलों में किसी भी देश को जज कर नहीं सकते। भारत देश एक ऐसा देश है
जो अक्सर कहानी को पलटने में विश्वास रखता है, और मुझे लगता है कि जरूर भारतीय टीम मजबूती के साथ वापसी करेगी। 21 बाल में 92 चाहिए, पिछली हार का बदला क्या आज चुका पाएंगे? सिंहा एक और चौका, सुमन गिल प्रयास कर रहे हैं जो पिछली हार हमें श्रीलंका टीम के द्वारा मिली है उसका जवाब दिया जाए, और आज के इस मुकाबले में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है भारतीय टीम के द्वारा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आने वाले सारे मुकाबले देखना, क्योंकि इस सीरीज के बाद भारत बनाम बांग्लादेश के बीच भी मुकाबला होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जहीन लिखिए, आपका नाम लिखिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, 20 में 88 चाहिए अब भारतीय टीम को। देखिए पथिराना अगर ये गति में परिवर्तन करेंगे, बॉलिंग में वेरिएशन दिखाएंगे, तो विकेट मिल सकता है, और अकॉर्डिंग टू फील्डिंग गेंदबाजी करनी पड़ेगी इनको, क्योंकि देखिए बल्लेबाज बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार हैं। ये देखिए बिल्कुल सामने की तरफ शॉट लगा रहे हैं, और मैं समझता हूँ एक फील्डर लॉन्ग ऑफ पे भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि बार बार बॉल लॉन्ग ऑफ की दिशा पे जा रही है। पथिराना तैयार पांचवी बॉल करने के लिए, और ये लीजिए एक और बार लेंथ को पिकअप किया और बढ़िया अंदाज में शॉट को खेला 6 रन के लिए। और जैसा कि मैं कह रहा था, भारतीय टीम की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। आप एक ओवर में ये अंदेशा लगा नहीं सकते कि कौन मुकाबला जीतेगा, ये क्रिकेट है, ये अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे मुकाबला कब पलट जाता है ये पता भी नहीं चलता। ये देखिए बढ़िया शॉट लगाया, छक्का बटोरा, और भारतीय टीम की उम्मीदें अभी भी कायम है इस मुकाबले में। जिया 19 में 82 चाहिए। और दोस्तों, जो लोग यूट्यूब पे इस महा मुकाबले को देख रहा है, मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जो वीडियो के नीचे सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दीजिए, और जो अपने मोबाइल को हिंदी में किए हुए हैं उनको सदस्यता ले का ऑप्शन आ रहा होगा सफ़ेद कलर में, कृपया करके दबाएँ और हमारा सपोर्ट करें, भारतीय टीम का सपोर्ट करें। सिंह और अब पथिराना तैयार है अंतिम बॉल के लिए। देखिए बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा सुमन गिल को आज, हालांकि सुमन गिल बढ़िया खेले हैं, ज़बरदस्त अंदाज में खेले हैं, और अब ऐसा लग रहा है मानो मोमेंटम अब भारत की तरफ आ गया हो। ओहो हो, ये बड़ा शॉट, फ्लैट छक्का। जी हाँ, देखिए बड़े आसानी से शॉट खेला, छक्का बटोरा, क्या बात है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसे ही आज हमें देखने को मिल रहा है। दो ओवर की समाप्ति के बाद ही भारतीय टीम ने 50 रन पूरे कर लिए हैं, लेकिन कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है। और देखिए अकेला धनंजय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, तीसरा ओवर करेंगे। भारत का स्कोर 54 रन 0 विकेट के नुकसान पे। देखिए ये गेंदबाज काफ़ी कमाल का है, लेकिन ये मत भूलिए इनके सामने जो बल्लेबाज है वो भी कमाल का ही है, नाम है रोहित शर्मा, भारतीय टीम की आन बान शान, जिम्मेदारियां। लेकिन ये लीजिए तीसरे ओवर की शुरुआत छक्के के साथ करेंगे, बड़ा शॉट 6 रन के लिए। अद्भुत बल्लेबाजी का परिचय देते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और श्रीलंकाई गेंदबाज अब तो निराश नजर आ रहे हैं, कैसे करेंगे वापसी ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। जिया बढ़िया खेल दिखाया, लगातार चौके छक्के बटोरे और रनों की बरसात तो हो रही है, 17 में अब 70 चाहिए। देखिए मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दें वो हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। देखिए भले ही भारतीय टीम लगातार मुकाबले हार रही हो, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला चला है, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा भारतीय टीम और रोहित शर्मा के लिए लाइक करें। और दोस्तों, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तीसरे ओवर की दूसरी बॉल, शॉट कहीं खेला, बॉल कहीं गई और फायरी किनारा लग के एक और चौका। देखिए अब धीरे धीरे मोमेंटम पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ शिफ्ट होता नज़र आ रहा है, और अगर श्रीलंकाई गेंदबाज विकेट ना ले पाए तो फिर ये मुकाबला भारत भी जीत सकता है। और आप देखिए श्रीलंकाई कप्तान लगातार फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा अभी तक मिला नहीं। और एक बार नज़र डालिए शॉट पे, रोहित शर्मा मिड विकेट की दिशा पे खेलना चाह रहे थे, वायरी किनारा लगा,
और देखिए अगर डीप फाइन लेग पे कोई फील्डर होता तो ये बॉल रोकी जा सकती थी, लेकिन वहाँ दूर दूर तक फील्डर नहीं था और भाग्यशाली चौका मिला कप्तान रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा भी अब 29 पे पहुंच गए हैं, सुमन गिल भी वैसे ही 35 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो दोनों बल्लेबाज आज परस्पर एक दूसरे का साथ देखे बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब देखिए 16 में 66 चाहिए, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दें ऐसे बल्लेबाज हैं यहाँ पे क्रीज पे। लेकिन श्रीलंका टीम को विकेट चटकाने पड़ेंगे, बिना विकेट चटकाएं यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जी हाँ, एक बार फिर से बड़े शॉट खेलने का प्रयास, हवा में बॉल और ये लीजिए बड़े आसानी से एक और चौका बटोरेंगे कप्तान रोहित शर्मा। देखिए बल्ले के काफ़ी ऊपरी भाग में लगी थी बॉल, यही कारण है कि ज़्यादा अच्छी टाइमिंग प्राप्त कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी चौका मिलाए गैप में बॉल के लिए। और देखिए भारतीय दर्शक खुशी जाहिर कर रहे हैं और कप्तान पूरा प्रयास कर रहे हैं, बॉलर से बातचीत कर रहे हैं, फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। विकेट तो चटकाने पड़ेंगे एक बार फिर से अगर शॉट पे नज़र डालेंगे। जी हाँ, ये देखिए बल्ले के काफ़ी ज़्यादा ऊपरी भाग में लगी थी बॉल, ये देखिए बिल्कुल ऊपरी भाग में लगी थी बॉल और यही कारण है कि बॉल ज़्यादा लंबाई प्राप्त कर नहीं पाई। 15 में अब 62 चाहिए, सामने रोहित शर्मा मौजूद, और ये लीजिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कैच किया फील, लेकिन टाइमिंग बेहतर है और एक और छक्का बटोरते नजर आएंगे। रनों की बरसात हो रही है और रोहित शर्मा ये बढ़िया खेल रहे हैं, लगातार रन बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत देश के लिए थोड़ा प्यार दिखाइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, आपका नाम लिखिए, ये बड़ा मुकाबला है। जी हाँ, जो लोग भी YouTube पे महा मुकाबला देख रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा जो वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं उसके नीचे सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आने वाले जितने भी मुकाबले आएंगे आपको सब यहीं देखने को मिलेंगे, भारत का नंबर वन चैनल है तो इस नंबर वन चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि अभी तो सिर्फ तीसरा ओवर चल रहा है, 14 में 56 चाहिए। क्या यहाँ पे कोई करिश्मा हमें देखने को मिलेगा श्रीलंका टीम के तरफ से? देखिए कुछ भी हो सकता है, मिल भी सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बार फिर से अगर आप नज़र डालेंगे तो ये शॉट काफ़ी बेहतर था, कमाल का था, और ये देखिए अच्छा छक्का जड़ा कप्तान रोहित शर्मा ने। और अब तैयार हैं तीसरे ओवर की 5वीं बॉल खेलने के लिए रोहित शर्मा, और ये लीजिए एक और बड़ा शॉट, और अब मानो भारतीय टीम अब फ्रंट फुट पे आके बल्लेबाजी कर रही है। इस बार तो बिल्कुल सामने की तरफ सीधा शॉट लगाया, सीधे बल्ले से फ्रंट फुट बाहर निकाला, ये इन पे एक काबिलियत है, ये जब ठान लेते हैं तो फिर इनको रोक पाना मुश्किल होता है। आज बढ़िया बल्लेबाजी करके दिखाई है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने। 13 में अब 50 चाहिए। देखिए सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या यहाँ पे भारतीय टीम जीत हासिल करेगी या फिर श्रीलंका टीम कोई चमत्कार करेगी? एक बार फिर से देखेंगे शॉट को, हाफ बॉल ही लिया, इस बॉल को सामने की तरफ खेला, मानो अर्जुन की तरह तीर चलाया, और इनको टारगेट पता है कि शॉट कहाँ खेलने हैं। श्रीलंकाई गेंदबाज निराश हताश नज़र आ रहे हैं और रोहित शर्मा 50 रन के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं और अभी अंतिम बॉल करेंगे धनंजय। बढ़िया गेंदबाज जरूर है लेकिन आज चल नहीं पाए हैं। ओ ये लीजिए बड़ा शॉट कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से और छक्के के साथ अपने 50 रन पूरे करेंगे। जी हाँ, ये अद्भुत पारी है, एक समय ऐसा लग रहा था मानो श्रीलंका टीम ये मुकाबला जीत जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और रोहित शर्मा और सुमन गिल का जब तूफान आया तो श्रीलंकाई गेंदबाज उड़ गए हैं इस तूफान में। दिलशान मधुशंका लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज अच्छी स्लो डिलीवरी करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे विकेट चटका पाएंगे? सामने सुमन गिल है, ये भी 50 रन के काफ़ी करीब है, लेकिन एक बार नज़र डालिए रोहित शर्मा के शॉट पे। ओहो हो, क्या शॉट है, बिल्कुल बॉल बल्ले के बीचों बीच आई थी, बॉल बहुत ही ऊंची गई, बहुत ही लंबी गई, मानो
दूसरे ग्रह में जाके गिरेगी बॉल। ओ एक बार फिर से नजर डालिए आप, क्या बात है, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच आई, गति का फायदा उठाया, बढ़िया शॉट लगाया। और अब बारी है मधुशंका की, क्या मधुशंका कोई करिश्मा करेंगे, क्या विकेट चटकाएंगे। सुमन गिल क्रीज पर मौजूद है, ये भी 50 रन के करीब है, क्या 50 बना पाएंगे, ये बड़ा सवाल। ओहो ये लीजिए, इन्होंने भी शुरुआत कर दिया बड़े शॉट के साथ। जी हाँ, चौथे ओवर की पहली बॉल पे छक्का जड़ेंगे और मधुशंका को दबाव में डालेंगे। श्रीलंका धीरे धीरे ये मुकाबला गवाती नजर आ रही है। देखिए अभी कुछ भी क्या पाना, जल्दबाजी होगी, हमने कई बार देखा है, एक समय ऐसा लगता है कि मानो भारतीय टीम बड़े आसानी से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी हाँ 38 चाहिए, लेकिन ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, चीज़ें कब बदल जाएं पता चलता नहीं है। जी हाँ एक बार नज़र डालिए, जी हाँ हवा में बॉल थी। देखिए पिछले कुछ मुकाबले भारतीय टीम श्रीलंका टीम से हारी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय टीम कमज़ोर है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं आने वाले सारे मुकाबले देखना, क्योंकि अभी भारत बनाम बांग्लादेश के बीच भी नई सीरीज होने वाली है, अगर आप चाहते हैं उसको भी देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकमात्र भारत का ऐसा चैनल है जहां हर एक मुकाबले दिखाए जाते हैं। जो वीडियो के नीचे सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों कमेंट में आपका नाम लिखिए, आपके गाँव का नाम, आपके शहर का नाम, और देखिए आपके फेवरेट खिलाड़ी का नाम ज़रूर बताएं। मधुशंका इनकी गेंदबाजी में अब तो शंखाएं नज़र आ रही हैं। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर मौजूद लेकिन करीब से निकल गई है, एक और चौका। देखिए रन आ रहे हैं, हालांकि ये शॉट काफ़ी रिस्की था। जी हाँ बढ़िया पोजीशन पे आए, लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं बना था, लेकिन उसके बावजूद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई। और देखिए कप्तान एक बार फिर से फील्ड में परिवर्तन करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ जो फील्डर था ये कैच लिया जा सकता था, हालांकि काफ़ी ऊपर से निकली, लेकिन रिस्की शॉट जरूर था। जी हाँ वहाँ पे मौका बन सकता था लेकिन बन नहीं पाया। आज वैसे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्रीलंका टीम का आज दिन नहीं है, इनकी किस्मत नहीं है। और इनको किस्मत अगर बदलनी है तो विकेट चटकाने पड़ेंगे, और विकेट चटकाना आसान नहीं है अब यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए मोमेंटम है भारत की तरफ। एक बार फिर से हवा में बॉल नीचे, फील्डर ये कैच पकड़ना चाहिए। ओ ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे, बाल बाल बचे, एक ही रन मिलेगा। जी हाँ एक बार फिर से मिस कम्युनिकेशन देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। एक बार फिर से आप देखिए, क्या ये मौका बन सकता था, ये बॉल लगी उसके बाद पैड में लगी, बॉल हवा में थी, फील्डर दौड़ के आए, ये रुके क्यों, ये कैच था, और ये अगर कैच हो जाता। ओ रोहित शर्मा कर क्या रहे थे वहाँ पे, सही सलामत पहुँच गए, बाल बाल बचे 9 में, अभी भी 33 चाहिए। देखिए ये मुकाबला ऐसा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। जी हाँ मधुशंका एक बार फिर से तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए, चौथे ओवर की चौथी बॉल करेंगे। स्लिप लगा ली गई है और एक बार फिर से अच्छी डिलीवरी। ओ एक एक रन के लिए भारतीय टीम अब जूझ रही है। देखिए बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मानो ऐसा लग रहा था कि अरे बड़े आराम से जीतेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, 2 बॉल हुई और दोनों ही बालों में मुकाबला देखिए कैसे पलट गया है। जी हाँ हम तभी तो इस खेल को अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं, यहाँ चीज़ें कब बदल जाएं। लेकिन दोस्तों थोड़ा प्यार दिखाइए भारत के लिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे जो सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब का बटन उसको दबाइए। और आप लोग जो रोज़ हमें देखते हैं हमें सुनते हैं, आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। चौथे ओवर की 5वीं बॉल, महत्वपूर्ण ये डिलीवरी हो सकती है अगर इसमें विकेट मिल गया, लेकिन जी नहीं, शुभमन गिल बड़ा शॉट चढ़ेंगे और छक्का बटोर के अपने 50 रन पूरे करेंगे। एक बार शुभमन गिल के लिए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज कमाल की पारी खेली है इस बल्लेबाज ने, युवा बल्लेबाज ने नाम बनाया है, और आने वाले समय में शुभमन गिल का नाम
क्रिकेट के इतिहास में लिखा जाएगा। जिस लहजे के ये खिलाड़ी हैं, जिस प्रकार से ये खेलते हैं, इनके पास क्षमता काबिलियत भरपूर अंदाज में है। जी हाँ, भारत का स्कोर 104 रन 0 विकेट के नुकसान पे 7 बालों में। अब 26 रन चाहिए भारतीय टीम को मधुशंका। ये ओवर कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए थोड़ा बेहतर तो रहा है, लेकिन अगर अंतिम बॉल पे विकेट चटका दिया तो ये ओवर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, तैयार रहिए चौथे ओवर की अंतिम बॉल के लिए। सामने सुमन गिल हैं, 52 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी। विकेट चाहिए, लेकिन जी नहीं, बड़ा शॉट 6 रन के लिए। जी हाँ, आज भारतीय बल्लेबाज एक तरफा खेले हैं। ओहो हो, आप ग्राफ पे नज़र डालेंगे तो सुमन गिल ने हर उस क्षेत्र पे रन बनाए हैं जहां कोई बनाता नहीं है। और देखिए चारों दिशाओं में। ओ, गेंदबाजी के लिए विनेंदु असरंगा आए हैं। ये मैजिकल गेंदबाज हैं, ये विकेट चटका सकते हैं। और देखिए रोहित शर्मा के लिए स्लिप लगा के रख लिए इन्होंने। साफ तौर पे दबाव बनाने का प्रयास। क्या भारतीय टीम ये मुकाबला जीतेगी या फिर श्रीलंका टीम कोई करिश्मा करेगी? जी हाँ, 5वें ओवर की पहली बॉल विनेंदु असरंगा करेंगे सामने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने घुमाया बल्ला, बॉल हवा में, नीचे फील्डर नहीं है, और होते भी तो दर्शक बन के रह जाते। ये लीजिए एक और बड़ा शॉट कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से। देखिए अभी कुछ भी कह पाना, थोड़ा जल्दबाजी रहेगी, लेकिन रन्स आ रहे हैं बेहतरीन अंदाज में आ रहे हैं, बड़े ही प्यार से आ रहे हैं। क्या बात है, रन बनाना कोई रोहित शर्मा से सीखे। इस बल्लेबाज ने पूरे मुकाबलों में अपना परचम लहराया है, अपनी छाप छोड़ी है। ये कमाल की बल्लेबाजी, आप नज़र डालिए इस शॉट पे। जिया हवा में बॉल दी काफ़ी देर तक। और अब देखिए भारत को 14 रन चाहिए 5 बालों में। देखिए कहने को तो थोड़ा आसान लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विनेंदु असरंगा ऐसे गेंदबाज हैं, हैट्रिक भी ले सकते हैं ये। इनके पास वो क्षमता है, स्लिप पे इन्होंने फील्डर लगा के रखा है। दबाव बनाया जाएगा एक बार फिर से। जी हाँ, एक बार फिर से बड़ा शॉट, ऐसा लग रहा मानो छक्के के लिए। ओ, ये तो कैच हो गई है रोहित शर्मा को, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। और मैं बात ही कर रहा था, विनेंदु असरंगा एक ऐसे गेंदबाज है जो मुकाबले को पलट सकते हैं। और एक बार फिर से हमें वो नज़ारा देखने को मिल रहा है, कप्तान रोहित शर्मा को पवेलियन जाना पड़ेगा। बड़ा झटका लगा भारत को, और अब देखिए परिस्थितियां बदल रही हैं। 4 में अब 14 चाहिए। रोहित शर्मा 58 बनाए, बढ़िया खेले, लेकिन भारतीय टीम को अंत तक जिताने में अभी तक असफल रहे। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली आ रहे हैं, क्या ये कुछ करेंगे? क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चले हैं, क्या आज चल पाएंगे ये बड़ा सवाल है। एक बार नज़र डाल लेते हैं विकेट पे। जी हाँ, हवा में बॉल थी, सीधा फील्डर के हाथ में गई, और बड़ा विकेट। और अब देखिए स्ट्राइक पे सुमन गिल पहुंच गए हैं। सुमन गिल बढ़िया फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ इनका चलना बेहद ज़रूरी है। इस बार स्लो स्वीप लगाया, फील्डर वहाँ मौजूद नहीं। ओ, ये निकल गई है, ये बॉल निकल गई है, चौका बटोरेंगे सुमन गिल। क्या बढ़िया अंदाज में शॉट लगाया इन्होंने। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए, भारत देश के लिए एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में सही लिखिए, आपका नाम लिखिए, आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम। जी हाँ, इससे हमें पता चलता है कि आप भारत के किस कोने से देख रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बहुत सारे राज्य हैं, असम, मिजोरम। देखिए लगातार हमें सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग भी थोड़ा प्यार दिखाइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो वीडियो के नीचे सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन उसको दबाइए। लेकिन एक बार नज़र डालिए स्लॉक स्वीप पे, क्या बढ़िया अंदाज में लगाया सुमन गिल ने, और उम्मीदों को बरकरार रखा है। 5वें ओवर की चौथी बॉल करी जाएगी विनेंदु असरंगा के द्वारा। सामने सुमन गिल फुल फॉर्म में, और ये लीजिए बड़ा शॉट, 6 रन होंगे ये तो। जी हाँ, एक और छक्का लगाया, और अब मात्र 4 रन चाहिए भारतीय टीम को 2 बालों में। क्या यहाँ पे इतिहास रचेगी भारतीय टीम, या फिर श्रीलंका टीम को करिश्मा करके ये मुकाबला जीतेगी? देखिए कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, ये खेल अनिश्चितताओं का है, यहाँ चीज़ें कब बदल जाएं पता चलता नहीं है। 2 बालों में 4 रन चाहिए भारतीय टीम को, लेकिन नज़र डालेंगे सुमन गिल के उस शॉट पे।
जी हाँ, बढ़िया अंदाज में लगाया, छक्का बटोरा और अब दो में चाहिए चार। क्या यहाँ पे विकेट चटका पाएंगे? अगर देखिए विकेट चटका दिया फिर एक में चार चाहिए रहेंगे, फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करूँगा, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत देश के लिए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में सही लिखें आपका नाम लिखें। और देखिए आने वाले अगर आप भारत बनाम बांग्लादेश के बीच नई सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, भारत का नंबर वन चैनल। और अब तैयार रहिए पांचवी बॉल के लिए, इस बार क्या अप्रोच रहता है। ओहो हो, ये लीजिए, जड़ दिया है बड़ा शॉट और छक्का जड़ के भारतीय टीम को मैच जिताते नजर आएंगे सुमन गिल। जी हाँ, भारत ने ये मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आज का सवाल है कि मैन ऑफ द मैच आज किसको मिलना चाहिए, रोहित शर्मा को या फिर सुमन गिल को, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जी हाँ, इस बड़े मुकाबले की समाप्ति हमें यहीं होती हुई नज़र आएगी और इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम की जीत हुई है। जी हाँ, चार विकेट से ये मुकाबला जीता और मैं सभी से अनुरोध करूँगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही रोज़ बने रहें।